प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन। राजस्थान की जनता पिछले 3.5 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान कर्जा माफी और कानून व्यवस्था से त्रस्त है, उन सब मुद्दों पर लोक जागरण का काम भी हम लोग कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में मैं रोंक आया हूँ। कल प्रदेश कार्य समिति है कोटा में पार्टी की, और पूरे प्रदेश भर में हम सब लोग आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे। किस तरीके से हम सब लोग जन आक्रोश रैलियों के माध्यम से पानी, बिजली, स्कूल, सड़क और बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा बार, जिलेवार आने वाले समय में जब सरकार के 4 साल पूरे होंगे, सरकार के खिलाफ एक बड़ी जन आक्रोश रैली का हम लोग आयोजन करेंगे। उन सब बातों पर चर्चा होगी, किस तरीके से सेवा के कामों को जारी रखें और किस तरीके से राजनीतिक मुद्दों पर हम लोग काम करें। मुझे लगता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के बाद में और सभी जातियों को जिस तरीके से मदद किया है, लेकिन यदि इसमें कहीं संशोधन की आवश्यकता है तो सरकार इसको तय करेगी। सोबरानी का आरोप है सर, आप आरक्षण विरोधी हैं। बीजेपी ने उनकी मांग समाज को तोड़ने की बात सोबरानी ने कही है। बीजेपी उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, पार्टी का अपना अनुशासन और मर्यादा होता है, पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, इसलिए बाकी लोग सब स्वतंत्र हैं। लेकिन सर आज के पोस्टर बैनर से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का फोटो बिल्कुल गायब है, किस तरीके से लगता है? देखिए चोर की दाढ़ी नहीं आ रहा, थोड़ा सा भारत सरकार के संविधान से गठित संस्था है, उसने नोटिस दे दिया तो ऐसा क्या हो गया? उनको शांति से, संतुष्टि से जवाब देना चाहिए था, तथ्य रखने चाहिए थे। ये कोई शहादत का सिलसिला नहीं है, ये पाखंड है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का, कि इस तरीके से वो इल्जाम से बच नहीं सकते। उनमें यदि ईमान होता तो वो अच्छे तरीके से पेश आते, इस तरीके के पाखंड करने से कुछ नहीं होने वाला। वो तो बेचारे स्वर्ग में असली गांधी जी हैरान और परेशान हो रहे होंगे कि किस तरीके से उनके सत्याग्रह के नाम को सत्ता के आग्रह की तरफ उपयोग किया जा रहा है। हम सब भारत ऐसा देश है जहाँ सभी तरीके के धर्मों को, पंथ संप्रदाय को इबादत की भी इजाजत है, अभिव्यक्ति की इजाजत है। इसलिए अच्छा है कि ये 36 कौम का जो नजारा वो हिंदुस्तान की बनी रहे। साथ ही साथ राजस्थान प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।